देखो बच्चों, की नवोदय का प्रश्न लिखा है। एक फर्श की माप 5 मीटर चार और इंटू 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर है, तो देखो एक फर्श है कोई इस तरीके से, ध्यान से देख लो। फर्श कितना है? 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा। इसे बदलो जरा सेंटीमीटर में, किसमें बदलोगे? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया है, कितना हो जाएगा बोलो प्रतीक? 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से गुणा कर देंगे, ये सेंटीमीटर में हो गया। और चौड़ाई कितनी दी है? 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब क्या है? ये कितने सेंटीमीटर हो गया? 400 सेंटीमीटर। ये साइज है किसकी? फर्श की। अब फर्श पे क्या लगा रहे हैं? देखो टाइलें लग रही हैं, ऐसे करके क्या लग रही हैं? टाइलें लग रही। देखो ये लग गई टाइल, ऐसे टाइल लग रही। क्या लगा दी हमने? टाइल लगा दी। इसकी साइज मालूम कितना है? 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। इस साइज की टायरें लग रही हैं, पूरे कमरे में लग रही है, एक टायर लगी है। जी क्या करोगे? फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टायर का क्षेत्रफल, ये आ जाएगी टायरों की संख्या। किसकी संख्या आ जाएगी? टायरों की। देखो जो हम इसमें बताया था प्लेटों की संख्या, दोनों में क्षेत्रफल क्या करे, बड़ा क्षेत्रफल ऊपर लिख दिया और छोटा क्षेत्रफल नीचे लिख दिया, बस टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल। पहले फर्श जो है बड़ा वाला है, बड़ी चीज ऊपर, अब बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, मतलब कि टाइल का क्षेत्रफल ऊपर गुणा करोगे लंबाई कितनी है? 500 × 400। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 500। चौड़ाई कितनी है? 400। टाइल में देखो लंबाई कितनी है? 80। चौड़ाई कितनी दी है? 50। बस काटो पीटो, देखो एक जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया। 5 × 1 = 8 × 8 = 8 × 5 = 40। 50 टाइलें। कितनी टाइलें लगानी पड़ेंगी? 50। ऐसी 50 टाइलें लगानी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच।